मेजर शाह सिद्धू मूसेवाला के जो फैंस थे, जो चाहने वाले थे, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में थे। मौत का सदमा अभी भी फैंस झेल रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश पंजाब पुलिस की है कि आखिर कौन है हमलावर। सीधी तरीके से सही दिशा में अभी तक भी पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई है। ये जो पाकिस्तान से AN-94 का कनेक्शन सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान से ही साजिश रची गई, पाकिस्तान से ही लॉरेंस बिश्नोई को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हत्या होनी है और हथियार भी वहां से आए, पॉसिबल हो सकता है ये? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है ये, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम 2 and 2 लगाएं, एक जासूस की तरह सोचें और एक एनालाइज करें, तो ये AN-22 राइफल जो है ये मेड इन पाकिस्तान है। अब यहाँ से ये रूस है और वहां से फिर ये पाकिस्तानी राइफल है, और जाहिर की बात है इससे अगर देखें तो ऑब्वियस ये पॉइंट होता है कि ये हो सकता है, इसमें तो जांच होनी चाहिए बिल्कुल, और जांच के बाद हो सकता है कि ये नतीजा निकल कर आए कि जी हाँ, कि इसका पूरा रूट कॉज जो है आया है पाकिस्तान से। बिल्कुल, तो आपने जो बिल्कुल फरमाया है वो गलत नहीं है, कहीं से भी बिल्कुल मुमकिन हो सकता है 100%। लेकिन मेजर शाह, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखें और समझा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पूरा मामला पहले सबसे पहले कनाडा से जोड़ा गया, क्योंकि कहा जा रहा था गोल्डी बरार ने खुद ये ट्वीट करके फेसबुक पर ये पूरी जिम्मेदारी ली हत्या को लेकर, और अब इस पूरे मामले को लेकर जो पाकिस्तान कनेक्शन है, जो ISI का कनेक्शन है, वो जोड़ा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, और चुनौतियां इसके साथ कहीं ना कहीं बढ़ गई है पुलिस प्रशासन के लिए कि मेन जो हत्यारे हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मेन जो है कनेक्शन जब पुलिस तहकीकात करेगी और इसमें पूरा निकल कर आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कैसे। देखिए, एक सुराग निकलना चाहिए हाथ में, एक सुराग हाथ निकल लग गया तो पूरी कहानी अपने आप सामने निकल कर आएगी। तो इसमें पूरे पॉइंट, पूरे एरो जो है इस टाइम पे ISI की तरफ को ही पॉइंट कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मेरा भी ऐसा मानना है पर्सनली के हो सकता है कि इसका रूट कॉज अल्टीमेटली, तो आप देखिए, एक तो नेबरिंग बॉर्डर पे है पंजाब पाकिस्तान से, दूसरी बात कि जितने भी यहाँ पे हिंदुस्तान में बदमाशियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? अल्टीमेटली पाकिस्तान ही करवा रहा है ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर से तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, आप जो फरमा रही है बिल्कुल सही है, इसमें ISI कनेक्शन की निकलने की बहुत बड़ी संभावना है। मेजर शाह, आपको और कौन कौन से इस पूरे केस में कनेक्शंस नजर आते हैं जिनको आपको लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए? और चूंकि देखिए, जब मूसेवाला का मर्डर होता है तो सुरक्षा जो उनकी एक दिन पहले ही घटाई गई थी उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे, लेकिन अब अलग अलग जो खबरें सामने आ रही कनेक्शंस की, फंडिंग की, हथियार बाहर से आने की, जिम्मेदारियां बाकायदा एक एक शूटर की तय करने की, क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस का, खुफिया तंत्रों का भी बड़ा फेल्योर ही रहा? एक तरीके से जी हाँ, एक तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी को, क्योंकि अगर देखिए कई बार ऐसा होता है ना, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हर कोई समझ रहे इस बात को। देखिए, हम लोग कोई एहतियात बरतते हैं, भाई लोग कई लोग डायबिटिक होते हैं, वो लोग मीठा नहीं खाते हैं, एक दिन वो मीठा खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो हर इस तरीके से आप बुलेट प्रूफ पहन के, एक नकाब पहन के चली गई, आप कितने टाइम तक नकाब मतलब मास्क अपना मुंह छुपा पाएंगी? इसी ठीक उसी तरीके से एक दिन उसने अपनी सिक्योरिटी लो करी, उसी दिन इन पे वार हुआ। मेजर मोहम्मद अली शाह, AN-94 राइफल का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, मैं समझना चाहूंगी पाकिस्तान से इसके तार जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, इस राइफल के बारे में भी कोई जानकारी दीजिएगा और पाकिस्तान से इसका क्या कनेक्शन निकल कर आ सकता है? ये पाकिस्तानी राइफल है सब जानते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है, और ये अनुमान तौर पे ये राइफल पाकिस्तान में ही मालूम में ही मिलती है, अनुमान तौर पे, मोट बड़े तौर पे, तो ये बिल्कुल संभावना हो सकती है। अगर हम देखें कि भाई ये राइफल जो है अगर यही इस्तेमाल की गई है तो इसमें बिल्कुल संभावना है कि ये पाकिस्तान से, क्योंकि हम और कोई राइफल की तो इसमें बात नहीं हुई, AK-47 की बात नहीं हुई, या AK-46 की बात नहीं हुई, या कोई LLA कोई पिस्टल की बात नहीं हुई, ये AN-94 की बात हुई है जो कि पाकिस्तानी हथियार है बिल्कुल, और दैट इज व्हाई इसमें ऑल फिंगर आर पॉइंटिंग टुवर्ड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने ही ये कार्रवाई करी होगी शायद। आप बड़ी बात कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान AN-94 है, और अब सबसे पहले ITV नेटवर्क के जरिए ही इस खबर को ब्रेक किया गया था कि हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और उसी के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही अपने गुर्गों को एक खबर दी थी, एक महीने का वक्त दिया था जिस पर एक्शन लेते हुए हत्या हुई है। अब मेजर शाह भी हमारे साथ है। मेजर शाह,
छह बार लगातार हमला होना, लेकिन मेजर शाह ने बहुत बड़ी बात कही है, मेड इन पाकिस्तान AN-94 जिसके जरिए हमला हुआ, और ये मेड इन पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान से ही इसे हिंदुस्तान भेजा गया जिसके जरिए हमला हुआ। और चलिए बात करेंगे यूक्रेन और रूस से जुड़ी खबर की। मेजर शाह, चूंकि लगातार आप भी इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, रूस अगर चाहे तो कब्जा कर सकता है, ये हम सब जानते हैं कि रूस की सेना ताकतवर है, वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? हमला करता है, छोड़ता है, चला जाता है, फिर वापस आता है। साथ ही दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात, अगर वो अमेरिका को सीधे सीधे चेताता है तो कहता है लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देनी है, वो ये क्यों नहीं कहता सीधा सीधा कि कोई युद्ध से जुड़ा हुआ सामान देना ही नहीं है? देखिए, अभी रूस ने दोबारा मारियोपोल में, ऐसा यूक्रेन का कहना है कि 24 लोगों को मार दिया वहां पे, चॉर्टकीव में 22 लोगों पे को मार दिया, उस तरीके से और ऐसी बातें हो रही है। और रूस क्यों नहीं सीधे सीधा उन पर कब्जा कर देता है? क्योंकि यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है रूस को। इतना आसान भी नहीं है वैसे जितना हम सोचते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने सोचा कि ये जंग बस 3-4 दिन की बात है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्शन है, खत्म हो जाएगा। मगर जब नेटो राष्ट्र का सपोर्ट मिल रहा है एक तरीके से पूरा 100% बिना बूट ऑन ग्राउंड, मगर जब तक रूस की सेना हमला करती रहेगी यूक्रेन पर, जब तक यूक्रेन की सेना बोलती रहेगी हम लड़ने को तैयार है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम शहीद हो जाएं, शहादत प्राप्त हो जाए, मर मिटने को तैयार हैं, हम लड़ते रहेंगे, तब तक नेटो इनको हथियार, गोलीबारी, आर्म्स, एम्युनिशन मदद देता रहेगा, इनको सपोर्ट करता रहेगा। और जब तक नेटो इनको सपोर्ट करेगा उतना ही मुश्किल एक तरीके से रूस को भी होगा। इतना भी आसान नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि रशिया आएगी बस कब्जा करके चली जाएगी और रख देगी, खत्म कर देगी। तो प्रेसिडेंट पुतिन को भी हैरानी हो गई होगी, देखिए कि भाई उन्होंने मिसकैलकुलेट जरूर किया है। निकिता शाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूके देवनाथन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।